हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू JL झारखंड लाइव, झारखंड नंबर 1 यूट्यूब स्टडी चैनल। दोस्तों आज है 19 सितंबर और हम लोग यहाँ पर आज 18 और 19 सितंबर के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो अगर आप झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स आएगा, वीडियो आएगी, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली मॉर्निंग में यहाँ पर 6 बजे करंट अफेयर्स की वीडियो आती है तो आप इसे देखा करें और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली शाम के 7 बजे वहाँ पर PDF जो है प्रोवाइड कर दी जाती है, तो PDF के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और चलिए हम लोग यहाँ पर आज 18 और 19 सितंबर के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका में मुख्यमंत्री आपके द्वार कार्यक्रम के तहत कितनी योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर C इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कुल 40 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, तो ऑप्शन नंबर C इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर पूरी डिटेल्स में फैक्ट्स यहाँ पर देख लेते हैं कि इन 40 योजनाओं में कुल राशि कितनी खर्च की गई है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री आपके द्वार कार्यक्रम के तहत 96.97 करोड़ रुपए की लागत से कुल 40 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। ठीक है, 96.97 करोड़ रुपए की लागत से कुल 40 योजनाओं का उद्घाटन किया है मुख्यमंत्री आपके द्वार कार्यक्रम के तहत। और ये भी यहाँ पर देख लीजिए, जिसमें 80.18 करोड़ की जो है यहाँ पर 32 योजनाओं का शिलान्यास किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर कुल जो है वो 96.97 करोड़ रुपए की जो लागत से यहाँ पर उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है, उसमें से 80.18 करोड़ की राशि जो है यहाँ पर 32 योजनाओं का शिलान्यास किया गया है और 16.79 करोड़ रुपए की राशि से यहाँ पर उद्घाटन किया गया है 8 योजनाओं का। मुख्यमंत्री ने जिन 32 योजनाओं का शिलान्यास किया है उनमें से दुमका शहरी जलापूर्ति योजना भी यहाँ पर शामिल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर C इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कुल 40 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है दुमका में। तो अब यहाँ पर दुमका आया है, तो दुमका के बारे में यहाँ पर देख लीजिए। तो दुमका की स्थापना जो हुई थी यहाँ पर जिले की, वो कब हुई थी? 1855 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1855 ईस्वी में दुमका जिले की स्थापना हुई थी। 1855 ईस्वी में दुमका को स्वतंत्र जिला बनाया गया था तथा 1872 ईस्वी में दुमका को संथाल परगना का मुख्यालय बनाया गया। 1983 ईस्वी में दुमका को संथाल परगना का डिविजनल मुख्यालय बनाया गया था तथा 2000 ईस्वी में जब राज्य अलग निर्माण हुआ तो उसके पश्चात दुमका झारखंड की उप राजधानी बन गई। ठीक है, तो यहाँ पर जो है दुमका जिले की स्थापना कब हुई थी? 1855 ईस्वी में हुई थी। यहाँ का जो पर्यटन स्थल है, मुख्य पर्यटन स्थल है, वो है बासुकीनाथ मंदिर। कौन सा है? बासुकीनाथ मंदिर है, जिसे फौजदारी बाबा भी कहा जाता है। यह एक यहाँ पर प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। तो ऑप्शन नंबर C इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य सरकार ने होम आइसोलेशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी वेब पोर्टल लॉन्च की है? ठीक है, राज्य सरकार ने होम आइसोलेशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी वेब पोर्टल लॉन्च की है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर A इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर surakshanick.in। ठीक है, इस वेबसाइट का, वेब पोर्टल का नाम है surakshanick.in। तो ऑप्शन नंबर A इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर यह वेब पोर्टल क्यों लॉन्च किया गया है, तो इसके बारे में यहाँ पर पूरी जानकारी, डिटेल्स यहाँ पर, फैक्ट्स यहाँ पर देख लेते हैं। कोरोना से संक्रमित वैसे व्यक्ति जो असिम्प्टोमेटिक है तथा अन्य बीमारियों से ग्रस्त नहीं है और वह होम आइसोलेशन में रहना चाहते हैं, तो उनकी सुविधा के लिए स्वास्थ्य विभाग ने वेब पोर्टल surakshanick.in नाम से पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, यहाँ पर स्पेलिंग देख लीजिए, सुरक्षा surakshanick.in नाम से वेब पोर्टल लॉन्च किया है राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने। राज्य में मरीजों की संख्या को बढ़ती हुई जो है यहाँ पर, उसकी वजह से यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है। ठीक है, तो जो किसी भी बीमारी से ग्रस्त नहीं है और वो होम आइसोलेशन में रहना चाहते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट जारी किया गया है, वेब पोर्टल जारी किया गया है। राज्य में मरीजों की संख्या को बढ़ते हुए मद्देनजर यहाँ पर यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है। तो ऑप्शन नंबर A इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने एक पोर्टल लॉन्च की है, जो असिम्प्टोमेटिक है और अन्य बीमारियों से ग्रस्त नहीं है, अगर होम आइसोलेशन में रहना चाहते हैं तो उनके लिए ये पोर्टल लॉन्च की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में झारखंड के खलारी निवासी किस महिला मेजर को लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर प्रोन्नति मिली है। ठीक है, हाल ही में झारखंड के खलारी निवासी किस महिला मेजर लेफ्टिनेंट कर्नल को पद पर प्रोन्नति मिली है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है स्वाति शुभम। कौन है? स्वाति शुभम है, जिन्हें कि लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर प्रोन्नति मिली है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर इनके बारे में पूरी डिटेल्स में यहाँ पर देख लेते हैं। तो रांची जिले के खलारी में पली बढ़ी स्वाति शुभम अब भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर प्रोन्नति मिली है। इससे पहले वह मेजर के पद पर थी और स्वाति ने 12वीं तक की पढ़ाई जो है वो खलारी डीएवी से की थी। इसके बाद उसने रांची महिला कॉलेज से अंग्रेजी विषय में स्नातक किया। स्वाति शुभम 16 सितंबर 2006 से सेना में सेवा दे रही है। ठीक है, तो ये है स्वाति शुभम, जो कि अब यहाँ पर लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर प्रोन्नति मिली है भारतीय सेना में। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये रांची जिले के खलारी में खलारी की निवासी है। ठीक है, तो याद रखिएगा, रांची जिले के खलारी निवासी की स्वाति शुभम को यहाँ पर सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर प्रोन्नति दी गई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पर, देश की नई संसद भवन की इमारत किसके द्वारा निर्माण किया जाएगा। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये जो नई संसद भवन होगी उसकी इमारत जो होगी वो टाटा के द्वारा निर्माण किया जाएगा। ठीक है, टाटा ग्रुप के द्वारा निर्माण किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, देश की नई संसद भवन की इमारत का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड 861.90 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण करेगी। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत नई इमारत संसद की मौजूदा इमारत के नज़दीक बनाई जाएगी। संसद भवन की नई इमारत में के जो यहाँ पर समय लगेगा वो 21 माह बनने की उम्मीद है। 21 माह में यह बनकर तैयार हो जाएगी। इस भवन में कुल जो यहाँ पर 1400 सांसदों को बैठने की क्षमता होगी और इसकी बनावट जो होगी वो त्रिकोणीय आकार का होगा। ठीक है, इसकी बनावट जो होगी वो कैसा आकार का होगा? त्रिकोणीय आकार का होगा। ठीक है, तो टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के द्वारा यहाँ पर जो है वो इसकी नई भवन जो है यहाँ पर संसद की वो निर्माण किया जाएगा 861.90 करोड़ रुपए की लागत से। ठीक है, और यहाँ पर पुरानी संसद भवन के बारे में चलिए हम लोग यहाँ पर कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो पुरानी संसद का आकार जो है वो गोलाकार है, जो भारत के 64 योगिनी मंदिर की आकृति से प्रेरित है। पुरानी संसद भवन के वास्तुकार जो थे वो कौन थे? एडविन लुटियंस थे और हर्बर्ट बेकर थे। कौन थे? एडविन लुटियंस थे और हर्बर्ट बेकर थे, जो पुराने संसद भवन के वास्तुकार थे। पुरानी संसद भवन की इमारत का निर्माण की शुरुआत जो है वो 1921 में हुई थी, जो 1927 में बनकर यह पूरी हो गई थी। पुरानी संसद भवन 1927 से लेकर 1947 के दौरान ब्रिटिश इंडिया के अधीन रहा था। उसके बाद भारत सरकार, जब भारत देश आज़ाद हुआ तो भारत सरकार के अधीन यह जो संसद भवन हो गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देश की नई संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। तो अब यहाँ पर टाटा आया है, तो टाटा की स्थापना जो हुई है कब हुई थी? तो ये 1907 ईस्वी में हुई थी जमशेदजी टाटा द्वारा। ठीक है, 1907 ईस्वी में। ठीक है, तो याद रखिएगा 1907 ईस्वी में टाटा की स्थापना हुई थी। और वर्तमान में जो चेयरमैन है वो कौन है? एन चंद्रशेखरन है, जो कि वर्तमान में चेयरमैन है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य में कुपोषण समाप्त करने के लिए दीदी बाड़ी योजना की शुरुआत ग्रामीण विकास विभाग ने किसकी मदद से इस योजना की शुरुआत की है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी की मदद से यहाँ पर इस योजना को जो है शुरुआत की गई है, लॉन्च की गई है दीदी बाड़ी योजना। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग और JSLPS के संयुक्त तत्वाधान में इस योजना को चलाया जाएगा। चलिए यहाँ पर इस योजना के बारे में यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो राज्य में कुपोषण समाप्त करने के लिए दीदी बाड़ी योजना की शुरुआत की गई है। ग्रामीण विकास विभाग एवं झारखंड राज्य आजीविका मिशन सोसाइटी JSLPS के संयुक्त तत्वाधान में दीदी बाड़ी योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के माध्यम से 5 लाख परिवारों को 6 माह में जोड़ा जाएगा। इस योजना के माध्यम से पोषण युक्त भोजन की जरूरत पूरी करनी है। वर्तमान में राज्य में 5 साल से कम आयु जो है उनकी 45.3% जो यहाँ पर है वो, और 65.2% महिलाएं जो है कुपोषित हैं, ठीक है। तो बच्चे जो है वो लगभग 45.3% कुपोषित हैं और वही महिलाओं की बात करें तो 65.2% महिलाएं कुपोषित हैं। इस योजना का क्रियान्वयन गांव स्तर तक किया जाना है। तो इस योजना का दीदी बाड़ी योजना का मुख्य जो उद्देश्य है वो यहाँ पर पोषण युक्त भोजन लोगों तक मुहैया कराना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी की तरफ से और झारखंड ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त तत्वाधान में इस योजना को चलाया जाएगा पूरे राज्य में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और वर्तमान में जो झारखंड ग्रामीण विकास विभाग के सचिव हैं वो है आराधना पटनायक। कौन है? आराधना पटनायक है जो कि सचिव है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पर राज्य के सभी जिलों समेत पूरे राज्य में कितनी आबादी पर नए +2 उच्च विद्यालय खोले जाएंगे, ठीक है। राज्य के सभी जिलों समेत पूरे राज्य में कितनी आबादी पर +2 उच्च विद्यालय खोला जाएगा। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कुल 10,000 की आबादी पर एक +2 स्कूल खोला जाएगा। कितना आबादी पर? 10,000 की आबादी पर। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राज्य के सभी जिलों में 10,000 की आबादी पर नए +2 उच्च विद्यालय खोले जाएंगे। चलिए यहाँ पर पूरे डिटेल्स में इससे संबंधित यहाँ पर महत्वपूर्ण फैक्ट्स देख लेते हैं। तो राज्य में नए +2 उच्च विद्यालय सभी जिलों में खोली जानी है। हर 10,000 की आबादी और 7-8 किलोमीटर की परिधि में +2 उच्च विद्यालय खोला जाएगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा राज्य के हर जिले में यहाँ पर मैपिंग की जाएगी। इसके लिए जिला स्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है जो जिले का सर्वेक्षण कर अपनी रिपोर्ट देगी। अभी राज्य के प्रत्येक जिले में बहुत कम संख्या में +2 विद्यालय हैं। इसकी वजह से 10वीं पास करने वाले छात्रों को +2 करने के लिए अधिक दूरी तय करनी होती है। कई बार अधिक दूरी होने के कारण छात्र पढ़ाई छोड़ देते हैं। विभाग ने सभी जिलों को 30 सितंबर तक अपनी रिपोर्ट सौंपने की डेडलाइन जारी की है। तो हर 10,000 की आबादी पर एक +2 उच्च विद्यालय खोला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 10,000 की आबादी पर +2 उच्च विद्यालय खोला जाएगा और इसकी परिधि जो होगी वो 7 से 8 किलोमीटर की परिधि में एक +2 उच्च विद्यालय होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और आंसर ऑफ द डे है, पिछले वीडियो में कल जो आपसे प्रश्न पूछा गया था, भारतीय रेल द्वारा दूसरी किसान रेल किन 2 स्टेशनों के बीच संचालित की जाएंगी, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है बरौनी से लेकर टाटानगर के बीच में। कहाँ से? बरौनी से टाटानगर के बीच में भारतीय रेल द्वारा दूसरी किसान रेल संचालित की जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे, जैसा कि मैं कमेंट बॉक्स में देख पा रहा था। और आप लोगों को कुछ डाउट्स भी हो रहे थे कि सर दूसरा स्टेशन जो है, दूसरा किसान रेल जो है वो दूसरे स्टेशन के बीच में चला है। तो जैसा कि यहाँ पर न्यूज़पेपर में प्रिंट हुआ था, मैं वैसा ही बता रहा हूँ। मैं अपने खुद से नहीं बता रहा हूँ। अगर कुछ अलग होगा तो मैं चेक करके फिर से आपको यहाँ पर करेक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो उसके लिए चिंता ना करें, मैं चेक कर लूँगा एक बार कि दूसरी या तीसरी है, तो ये देखना होगा, ठीक है। पेपर में जो दिया था न्यूज़पेपर में, मैं वही बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए पूरी डिटेल्स में। तो भारतीय रेल की दूसरी किसान स्पेशल ट्रेन का परिचालन बरौनी से टाटानगर के बीच शुरू हुई है। यह ट्रेन बोकारो, स्टील सिटी और हटिया में भी रुकेगी। इससे तीनों शहरों में दूध की सप्लाई की जाएगी। इसमें हटिया और बोकारो, स्टील सिटी के लिए 1-1 दूध की टैंकर होंगी, जबकि टाटानगर के लिए 2 दूध की टैंकर होंगे, ठीक है। तो ये झारखंड में कहाँ पर? हटिया में, बोकारो में और टाटानगर में रुकेगी। झारखंड के 3 शहरों में या दूसरी किसान रेल जो है वो रुकेगी, स्टॉपेज होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आज का प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है, निम्न में से झारखंड से किसे गोल्डन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? निम्न में से झारखंड से किसे गोल्डन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? तो 4 ऑप्शन आपके यहाँ पर डॉक्टर सहदेव राम, डॉक्टर महेश कुमार, या फिर प्रोफेसर नीलेश रंजन, या फिर वैज्ञानिक पी रामानुजन। तो आपको कमेंट करके बताना है कि किन्हें गोल्डन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है झारखंड से, ठीक है। तो इसका सही आंसर कमेंट करने की कोशिश करिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है तो दोस्तों, तो ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, जरूर लाइक करिए। और दोस्तों आज आप हमारे यहाँ पर जेपीएससी पीटी लाइव टेस्ट से जुड़ सकते हैं। आज यहाँ पर इसका ऑनलाइन लाइव टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है और कल यहाँ पर आप सभी लोग सीजीएल के ऑनलाइन लाइव टेस्ट से भी जुड़ सकते हैं भुगतान कर। जेपीएससी के लिए आपको यहाँ पर 20 रुपीज़ भुगतान करने हैं और सीजीएल के लिए 10 रुपये भुगतान करने हैं इस नंबर पर, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के माध्यम से, और उसका स्क्रीनशॉट भेजना है इसी व्हाट्सएप नंबर पर। तो इस तरह से आप यहाँ पर ऑनलाइन लैब टेस्ट से जुड़ सकते हैं।